संयुक्त वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। संयुक्त वर्ण, कुछ शब्दों में कोई कोई वर्ण हल्का बोला जाता है। जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है और वह हम अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे पक्का, चिट्ठी, मक्खन, भुट्टा, क्यारी, प्यास, है ना। ये वर्ण जो होते हैं हल्के होते हैं, यानी कि ये अ इसमें नहीं होता, अन अ के ये बिना होते हैं, ठीक है। ये अ के बिना होते हैं और हल्के होते हैं और ये किसी और शब्द से जाके जुड़ते हैं, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे हमने बताया है पक्का, मक्खन, है ना, यही सब वर्ड होते हैं। बच्चों अब ये है, क्या है आप लोग का, ये क्या है आप लोग का, पार्क, ठीक है। पार्क में ऐसे आप लोग देखो कि कौन क्या क्या कहाँ लिखाया है, तो ये क्या है, ये आपके संयुक्त वर्ण के हल्के शब्द हैं। जैसे पार्क में बच्चा खेल रहा है ना, तो ये कौन है, बच्चा खेल रहा है, खेलना भी हल्का शब्द हो गया। ये क्या है, गन्ना, है ना, तो गन्ना भी हल्का शब्द हो गया। जो ये व्यंजन है ना, इसमें स्वर यानी कि अ नहीं लगा हुआ है, गन्ना, बच्चा। ये क्या है, लड़की क्या ली हुई है, ये लड़की क्या ली हुई है, गुब्बारा, ठीक है। तो ये हो गया गुब्बारे, यानी कि बहुत सारे, बहुवचन, बहुत सारे गुब्बारे हैं। ये क्या लिया हुआ है, बल्ला, है ना, बल्ला जिसे आप क्रिकेट खेलते हो, है ना, वही बल्ला है, इसको बैट भी बोलते हैं। यही सब चीजें ये हल्की वर्ड में आ गई और ये क्या भी आ के बिना बनी है, यानी कि आ के बिना शब्द में जो दूसरा शब्द जुड़ता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं और ये हल्के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। बच्चों ये देखो, अब इसी तरह चित्र देखकर शब्द पूरे करना है। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं चित्र देखकर शब्द पूरा करो, ठीक है। अब यहाँ किस चीज का चित्र बना हुआ है, बिल्ली का, ठीक है। तो बिल्ली में क्या लगता है, आधा ला यानी कि हाफ ला और फुल ला, हाँ यानी कि हाफ ला और फुल ला, है ना। तो बिल्ली से यहाँ अगर हम यहाँ लगा देते हैं व्यंजन तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली में भी क्या है, हर्षई ही लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्वर की मात्रा लगी है ना। उसी तरह दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, उसी तरह ये क्या है, भुट्टा है या पक्का है ना, भुट्टा पक्का है कि कच्चा है, ये पक्का है, यानी कि ये व्यंजन लगा हुआ है और यहाँ भी व्यंजन लगा हुआ है। उसी तरह ये है डब्बा, है ना, तो धब्बा, तो धब्बा भी क्या हो गया, ध क्या हो गया, ये भी आपका व्यंजन ही हो गया और ये ड हो गया, भी व्यंजन हो गया। तो व्यंजन वर्ण के साथ एक नया व्यंजन वर्ण जुड़ता है जिससे हमारा नया शब्द बनता है, उसको जो जोड़ा जाता है उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। उसी तरह बच्चों ये आपके बुक में दिया हुआ चित्र देखकर सही नाम पर सही चिन्ह मारना है। जैसे ये गुब्बारा है तो गुब्बारा और धब्बा लिखा हुआ है, तो ये गुब्बारा है तो हम गुब्बारे पे सही मारेंगे। उसी तरह मक्खी, चक्की, तो ये क्या है, आप इस चित्र को देखिएगा, तो ये है चक्की, तो यहाँ पे चक्की पे चित्र मारिए, चिन्ह मारिएगा। उसी तरह ये चिट्ठी है, तो मट्ठी और चिट्ठी लिखा हुआ है, तो आप चिट्ठी पे सही मारोगे। तो बच्चों इसी तरह ये आप अपना बुक को फिल कीजिएगा या कॉपी पे इसको फेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही और इस चीज को आप लोग भूलिएगा नहीं और फेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बच्चों।